नहीं सब्सक्राइब कीजिए माउंटेन टीवी एनए चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटीवी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू यूज कर्मा की और रिमूव वीडियो बैकग्राउंड विद डीएसटीसी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। सो बढ़ते हैं वीडियो तरफ आगे। सो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको डीएसटीसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। जी, ओपन करने के बाद आपको जाना होगा ब्लैंक प्रोजेक्ट में। ब्लैंक प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा जो वीडियो का टाइटल, आप कोई भी टाइटल आप दे सकते हो। तो मैं दे देता हूँ आप कोई भी टाइटल आप दे सकते हो। तो आप यहाँ से डिवाइस रेगुलेशन या अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो मैं इसको ऑलरेडी सेट किया हूँ। तो उसके बाद फिनिश में ओके कीजिए। ये करने के बाद आपको एडिटर, जो वेबसाइट का जो ऊपर में एडिटर का ऑप्शन, इसमें क्लिक कीजिए। ऐड ऑब्जेक्ट में क्लिक कीजिए। ऐड ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो का जो ऑप्शन मिलेगा, जो वीडियो का ऑप्शन, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करके आपको जो इसमें वीडियो अपलोड करना होगा, तो मैं इसको वीडियो अपलोड कर देता हूँ। नई पहले वाला एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो एक बार क्लिक करना ओके। सो ये फर्स्ट वीडियो हो गया। तो मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये हो गया। अभी मैं दूसरा वीडियो भी ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए आप एडिटर में जाके ऐड ऑब्जेक्ट में क्लिक करके, वीडियो में क्लिक करके आप दूसरा वीडियो लोड कर सकते हो। तो मैं दूसरा वाला वीडियो लोड कर देता हूँ। सब्सक्राइब, ठीक है, अभी दूसरा वाला वीडियो लाइक। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। आपको मैं इसको जो प्ले करके दिखाता हूँ, ये वाला सेकंड वाला। देखिए अभी इसमें जो ग्रीन स्क्रीन है, देखिए अभी ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करते हैं, इसको कोरमा की जो कैसे रिमूव करते हैं वीडियो को बैकग्राउंड, इसको जो ग्रीन स्क्रीन को कैसे हटाते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको जो ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो का जो लाइनिंग है, इसमें डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आप एडिटर में जाइए। एडिटर में जाने के बाद वीडियो इफेक्ट में जाइए। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेंसी में जाइए। उसके बाद आप वीडियो एडिटर, वीडियो इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेंसी एंड क्लिक ऑन वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर। तो ये होने के बाद इसको ओपन ओके कीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ। तो ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये हो गया है। देखिए अभी इसको, अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए बैकग्राउंड पूरा अभी कम्प्लीटली नहीं हटा है, इसलिए इसको पूरा हटाने के लिए आपको इधर से ये होने के, इसमें क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में जो विंडोज प्रॉपर्टी मिलेगा, विंडोज प्रॉपर्टी मिलने के बाद आपको जो नीचे वाला, जो इसमें आपको तीन ऑप्शन देखा जाएगा, आप देख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा 50 है, इसको मैं बढ़ा के 100 कर देता हूँ। और इसको मैं 50 कर देता हूँ। और इसको भी मैं 100 कर देता हूँ। देखिए ये हो गया। तो इसके बाद आप जाइए, इसके अंदर जाइए। जाने के बाद इसमें क्लिक करके इसको आप थोड़ा सा साइज आप मिला सकते हो कहीं भी। देखिए अभी जो वीडियो का बैकग्राउंड है जो रिमूव हो गया है, तो आप इसको साइज मिला के इसको कहीं भी आप रख सकते हो। तो मैं इसको इधर रख देता हूँ साइज थोड़ा। तभी हो गया। तभी मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सब्सक्राइब,
like. देखिए इसका बैकग्राउंड जो है कंप्लीटली हो चुका है, आपको और ज्यादा इसको सेटिंग मिलाना है तो आप इसमें डबल क्लिक करके इसको बैकग्राउंड में क्लिक करके ऐसे आप इसको जो ब्राइटनेस और क्रोमेसिटी इसको आप बराबर भी कर सकते हो। तो अभी इसमें बैकग्राउंड है कंप्लीटली इसको रिमूव हो गया है। अच्छा देखिए तो एक बार मैं फिर देखता हूँ, देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो अभी होने के बाद इस जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो गया है, तो इसको सेव करने के लिए आपको जाना होगा जो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, इसमें क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको ये जो लाल वाला एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है इसमें आप इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये टोटली फ्री है जो आपको फ्री में मिलेगा, तो इसमें कंटिन्यू में ओके कीजिए। कंटिन्यू में ओके होने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट डाउनलोड सेव होने में स्टार्ट हो गया है। देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं 2% हो गया है, 3% अभी हो गया। सो आपको ये कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपका जो वीडियो का जो साइज जो MB जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये 100% होने के बाद इसको जो डाउनलोड प्रोसेस है जो पूरा हो जाएगा, वो होने के बाद आप ये वीडियो को लेके जाके आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, कोई भी कमर्शियल साइट यूट्यूब और कोई भी साइट में आप इसको अपलोड कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो वीडियो कैसे लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। थैंक यू अगेन, सब्सक्राइब लाइक।